भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया, ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो, लेकिन भगवान श्री राम से तो मैं आइए प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जो पुरुषों में उत्तम थे श्री राम जी, ये बोलते हैं कि हम चाय बेचने वाले थे, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 हजार करोड़ के एरोप्लेन से विदेशी यात्रा पर रहते हैं, तो हम लोग को संभलना पड़ेगा। जितने बड़े बड़ुआ लोग थे उनको बढ़ाने का काम किए, कोरोना में हम लोग नीचे गए, हम लोग को बंद कर दिया गया। पैसा, इनकम टैक्स का पैसा जो हम लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसा आपने राम मंदिर में लगवा के भाई लूट रहे हैं। हमने राम मंदिर बना देखा, आपके घर से आया था पिछवा, आप घर से तो आपके बड़े भाई बोले कि सब सामान लेके भाग गए थे, तो सब सामान घर से लेके भाग गए थे, तो वही पिछवा से कहा बना दिया राम मंदिर। हम ही लोग का टैक्स जो लगता है वही पैसा से आप खर्चा करके बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। हम लोग भी सनातन धर्म के हैं, हम लोग भी देवी देवता के मानते हैं, हम लोग सारे साल हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग अलग हो गए। भाजपा में जो गया, जो गंगा जी नहा लिया, एकदम पवित्र हो गया, अब भाजपा से जा, ये तो कलयुग और भटजुग भी होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ दिए भटकने के लिए, अपनी पत्नी को वो छोड़ दिए भटकने के लिए, आज तक पत्नी का हाल समाचार नहीं लिए, और वो नारा लगा रहे हैं, और वो उद्घाटन करेंगे और उसको प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो पुरुषों में उत्तम थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना पुरुषों में उत्तम है, जो अपनी पत्नी को भटकने के लिए छोड़ दिए, वो अपने पत्नी के लिए युद्ध किए, जो रावण पूरे धरती का सबसे विद्वान सबसे बलवान व्यक्ति था उससे युद्ध किए, और ये अपने पत्नी को छोड़ के, और ऐसा हाथ ऐसे लोग हाथ लगाएंगे प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम जी का करेंगे श्री राम जी का, कितना बेइज्जत महसूस होता है। और ये बेइज्जती सिर्फ हमको महसूस नहीं होती है, ये समझने की चीज है। हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला कि जो बीवी को छोड़ दिए हैं, अब वो श्री राम मन पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और हम लोग बैठ के ताली मारेंगे खड़ा होकर। तो ये केवल, और ना सिर्फ केवल, ये केवल राजनीति है, हम ये नहीं।